सर से 2015 द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 6,1 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग द इक्वेशन 8x-4y=10 इज। यार देखो बेटा, जब भी इस तरह का सवाल आए, पैरेलल बड़ा आसान है। जो स्लोप इस इक्वेशन का होगा वही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन का होगा। 6 और 1 क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट। स्लोप कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट 8 है, वाई का -4 है, डिवाइड करेंगे स्लोप 2 आ जाएगा। इक्वेशन होती है y-y1=mx-x1, y-1=2x-6, y-1 वैसे ही रह गया 2x-12, -12 + 1 क्या होता है, -11 होता है। तो देखो 2x-y-11=0। आप देखो ऑप्शन के लिहाज से कौन सी, ये वाली। बस इन्होंने किया -1 को उधर ही रहने दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं इक्वेशन 25x²-16y²=400 इज़ द इक्वेशन ऑफ, तो करेक्ट आंसर है हाइपरबोला। क्यों भाई, देखो हाइपरबोला में हमेशा एक्स और वाई दोनों पर ना सिर्फ स्क्वायर होगा बल्कि अपोजिट साइन होगा। पैराबोला में से किसी एक पे स्क्वायर होता है, सर्कल में कोफिशिएंट बराबर होते हैं, एलएस में कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्लस होता है। फिर जनरल टर्म पूछ रहे हैं, एक सिक्वेंस है 1, 1/3, 1/5, 1/7। ये ऑप्शन दिए हैं। ट्रिक ये होती है कि भाई हम एन की जगह 1, 2, 3 पुट करें तो इसी हिसाब से हमारे आंसर यही आने चाहिए। जैसा कि अगर हम एन की जगह बच्चों 1 पुट करते हैं तो 1 आना चाहिए, 2 पुट करने से ये आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे कि भाई कौन सी वाली हमारी सूटेबल है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। जैसे कि 1 पुट किया, 2 1s are 2 -1 ये आ जाएगा, 2 पुट करने से 1/3, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर।